आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप का फैक्टराइज़, इसके में क्या करने बेटा, फैक्टर करने हैं। क्या है 12x² - 7x + 1 फैक्टर कैसे करें? x की मैक्सिमम कितनी पावर है? 2 पावर। वेरिएबल है बेटा पॉलीनोमियल्स है, तो कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट स्टेप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है? 12x² थर्ड स्टेप क्या है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया बेटा 12x² और मिडिल स्टेप -7x के ऐसे फैक्टर करने हैं जब इनको ऐड करें तो -7x आए और मल्टीप्लाई करें तो कितने आए 12 आए। टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करें तो 7x आए। देखो 12 सिंपल, वैसे तो 4 3 है, क्या हो जाएगा बेटा 12 4x - 3x। 4 3 12 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया प्लस। माइनस के 4x को माइनस के 3x, दोनों माइनस का 4x और माइनस का 3x है, दोनों माइनस के, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। इनकी हमें -7x की वैल्यू के जगह क्या वैल्यू करनी है? -4x - 3x। देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन अभी इतनी इजीली हो जाएगा, अपने की हुई है क्लास में। 12x² - 7x की जगह क्या लिखेंगे? -4x - 3x + 1। कुछ नहीं है, अभी दोनों में कॉमन देखो 12 है और 4 में क्या कॉमन है बेटा 4, सेम है x² और x में क्या है x। 4 3 12 x² में से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहां पे बेटा x। 4x में से 4x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 3x - 1। अब यहां देखो क्या मैं कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लिया मैंने भी -3x को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा बेटा +3x। +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का। अब इन दोनों में 3x - 1 3x - 1 दो अलग अलग स्टेप होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ। अब इन दोनों के बीच में किसका है? सब्सट्रैक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई में नहीं है। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि हमें इस डिजिट को मल्टीप्लाई में लिखना है। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, 3x - 1 यहाँ से क्या आ गया 4x, यहाँ से क्या आया -1। समझ में आया नहीं आया? देखो नेक्स्ट, देखो एक और देखो, (2x² + 7x + 3) फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 x² हो गया, मिडिल स्टेप क्या है बेटा 7x। अब 6x² के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6 यही हो सकते हैं। तो अब देखो 2 × 3 = 6, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो रहे हैं, नहीं हो रहा तो इसको करेंगे 6, 6 × 1 = 6, 6x + x। 6 को x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो गया, 6 × 1 = 6, 6x² हो गया, 6x में से 1, 6x में 1x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, तो क्या हो गया 6 × 1 = 6। हमें इसके फैक्टर करने हैं इस डिजिट के ऐसे कि जिनका ऐड करें तो जो मिडिल स्टेप है किया है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप को मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड जो प्रोडक्ट डिजिट आए प्रोडक्ट नंबर आए उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करें तो मिडिल स्टेप आ जाए। देखो क्या लिख सकते हो, 2x² + 7x की जगह 6x + x + 3। इन दोनों में 2 और 6 में क्या कॉमन है बेटा 2x² और x में x, यहाँ से क्या आया x, 2 3 = 6 x कॉमन ले लिया। देखो x + 3 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 तो सब में होता है, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन आ गया x + 3, यहाँ से क्या बचा बेटा 2x + 1। देख लो थर्ड 6x² + 5x
माइनस सिक्स। वही बेटा फर्स्ट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सिक्स जा 36 एक्स स्क्वायर। किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, सिक्स प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का है सिक्स माइनस का है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा माइनस का। मिडिल स्टेप क्या है बेटा फाइव एक्स। अब जब ये प्लस का हो ये माइनस का हो तो जो इसके फैक्टर करेंगे इसमें से एक फैक्टर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर सब्सट्रैक्ट करेंगे तब ये प्रोडक्ट आएगा। अब देखो 36 के क्या क्या होते हैं बेटा फैक्टर, जनरली 6 3 जा 36 और 12 3 जा 36 9 4 जा 36 9x-4x प्लस के 9x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 9 4 जा 36 x को x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x स्क्वायर हो गया। 9x में से 4x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5x। ये तो हमें देखना पड़ेगा ये प्रैक्टिस से आ जाएगा कि क्या फैक्टर होंगे, हमें जो प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट और थर्ड स्टेप का उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ताकि हमको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो मिडिल स्टेप। क्लियर, क्या लिखेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में 6 और 9 में क्या कॉमन आ गया 3, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आया x, 3 2 जा 6 x स्क्वायर को x डिवाइड किया तो x आ गया प्लस 3 3 जा 9 x को x से डिवाइड किया तो क्या हो गया। अब यहां क्या कॉमन ले बेटा, दोनों माइनस के हमें दोनों प्लस के लाने हैं तो क्या कॉमन ले ले माइनस के 2 तो 2 2 जा 4 माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस x, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखो 2x + 3 दोनों में है तो 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा बेटा 3x यहां से माइनस। लिख दो नेक्स्ट देखो फोर्थ 3x² - x - 4 वही फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप 4 3 जा 12 किसके माइनस के x स्क्वायर। मिडिल स्टेप क्या है बेटा माइनस 4x। अब देखो 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं 2 6 जा 12 लेकिन 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा d और 4 3 जा 12 माइनस के 4x में से प्लस के 3x माइनस के 4x प्लस के 3x सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि दोनों की साइन क्या है अपोजिट है, बड़े डिजिट बड़ी डिजिट की साइन की है माइनस के तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे किसके हैं माइनस के x साइन है 4 3 जा 12 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा क्या लिख देंगे हम 3x² - 4x + 3x। इन दोनों में कुछ भी क्या कॉमन है 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है x स्क्वायर और x, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा x, यहां से 3x बच जाएगा बेटा यहां से या कुछ भी कॉमन नहीं है तो मान तो ले ही सकते हैं 3x - 4 दोनों में कॉमन है यहां से क्या आ गया x और यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।